नमस्कार, YouTube ज्ञान साझा चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। BES 145 हिंदी शिक्षण BEd प्रथम वर्ष के 2021 सत्र का यह असाइनमेंट का क्वेश्चन है, जिसका सॉल्व मैं आपके समक्ष बतलाऊंगा। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल में प्रथम आए हैं तो वीडियो को जरूर से जरूर लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। चलते हैं, प्रथम क्वेश्चन जो है उसका उत्तर क्या है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। हिंदी शिक्षण में पाठ्य पुस्तकों के महत्व की चर्चा कीजिए तथा पाठ्य पुस्तक के गुणों की विस्तार पूर्वक व्याख्या कीजिए। चलते हैं इसके उत्तर पर। ये जो है आप देख पा रहे हैं BES के आपका प्रथम इकाई ब्लॉक वन में हिंदी भाषा शिक्षण या पाठ्य पुस्तक और सहायक पुस्तकें, ये जो है आपका पेज नंबर है 70। इसमें आप पढ़कर इसमें से जो संक्षिप्त में जो आप ले सकते हैं उसको लेकर लिख सकते हैं। और बगल में ही दिया हुआ है यहाँ पर, विचार करें कि हिंदी शिक्षण में पाठ्य पुस्तकों का क्या महत्व है। फिर नेक्स्ट पेज जाते हैं, फिर इसके जो गुणों की बात है यानी विशेषताएं, ये पेज नंबर आपका 72 ब्लॉक वन इकाई खंड एक की पुस्तक में है। और ये जो है आप देख सकते हैं टू द पॉइंट लिखा हुआ है, आप इसमें काट छाट कर जो अपना है अपने हिसाब से उत्तर लिख सकते हैं। तो ये प्रथम आपका क्वेश्चन का आंसर हुआ। अब नेक्स्ट चलते हैं, दूसरा प्रश्न है, माध्यमिक स्तर पर कहानी शिक्षण के महत्व, उद्देश्य तथा शिक्षण प्रक्रिया समझाएं। उपन्यास शिक्षण कहानी शिक्षण से किस प्रकार भिन्न है, स्पष्ट कीजिए। उत्तर चलते हैं इसका, खंड तीन पेज नंबर 78 में आप देख पा रहे हैं कहानी शिक्षण, ये जो पूरा स्पेस से लेकर आपका नेक्स्ट पेज में जो है उपन्यास शिक्षण, ये भी आपका दूसरा उसी में क्वेश्चन है, इसका उत्तर है कहानी शिक्षण और उपन्यास शिक्षण में क्या भिन्नताएं हैं, ये इसमें दिया हुआ है। तो आप जो ये कहानी शिक्षण से शुरू होगा, पेज नंबर 70 है, माफ करिए, पेज नंबर 78 79 और ये वाला आपका 80 मिलाकर आपका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दो नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, तीसरा क्वेश्चन है, माध्यमिक स्तर पर हिंदी व्याकरण पढ़ाने के लिए एक शीर्षक का चुनाव कीजिए। व्याकरण शिक्षण की विस्तृत शिक्षण योजना तैयार करते हुए शिक्षण विधि के विविध सोपानों का को उदाहरण द्वारा समझाइए। चलिए इसको उत्तर में, व्याकरण शिक्षण विधियां खंड तीन के पेज नंबर 97 में है, आप यहां से पढ़कर अपना देख सकते हैं इसके उत्तर क्या होंगे संक्षिप्त में। नेक्स्ट इसके बाद पेज है 97 पेज के बाद 98 पेज, विभिन्न प्रकार की विधि दी हुई है और पाठ योजना जो है आपका ये है आपका 101 पेज में है, 101 और 101 के बाद 102 103 तक आपका इसका उत्तर बनेगा। तो आशा करता हूँ कि आपको बतलाने में मैं अपने आप को आपके समक्ष सही समझता हूँ। अगर किसी प्रकार की कोई त्रुटि होती हो तो आपसे क्षमा चाहता हूँ। और इसी तरह का अगर कोई भी प्रश्न का उत्तर BEd से संबंधित असाइनमेंट का जो भी हो तो मैं आपके समक्ष प्रस्तुत ज़रूर करूँगा, किंतु वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करने से आपको सारे नोटिफिकेशन अपडेशन प्राप्त होते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले। बहुत बहुत धन्यवाद।